दोस्तों, हार और जीत या फिर फेलियर या सक्सेस, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और बात अगर सक्सेस की जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की सफलता का रास्ता असफलता से होकर ना गुजरा हो। यानी कि कोई भी आज सक्सेसफुल है तो वो कभी ना कभी फेल तो हुआ ही होगा। अब जैसे कि आप हमारी आज की इस वीडियो को देख लीजिए, जहां आपको आर्किटेक्चर का ऐसा अजूबा देखने को मिलेगा जो आपको हैरान करके रख देगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पूरी तरह से हैरान होने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। द पेसमेकर। दोस्तों, अगर हेल्थ की बात की जाए तो इस फील्ड में किसी भी नए इन्वेंशन के लिए काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, और कई बार चीजें सफल हो जाती है और कई बार सालों की मेहनत एक चुटकी में बर्बाद भी हो जाती है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखा जाता। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी ये चीजें कुछ अचानक से इन्वेंट हो जाती है। अब जैसे कि विल्सन ग्रेट बैच द्वारा बनाए गए पेसमेकर को ही देख लीजिए, क्योंकि जब ये हार्ट के लिए एक रिकॉर्डिंग डिवाइस बना रहे थे, तभी इन्होंने उस डिवाइस के अंदर सर्किट दूसरी जगह लगा दिया, जिसकी वजह से वो डिवाइस ह्यूमन हार्ट की रिदम पहचानने वाले डिवाइस बन गई। और तभी इसके इन्वेंटर को ये याद आया कि इस तरह की डिवाइस बनाने की बात कई समय से चल रही थी, क्योंकि उस समय हार्ट बीट की रिदम को पहचानने के लिए बहुत ही पुराने तरह की डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत बड़ी और टाइम टेकिंग होती थी। और अब इनकी उसी गलती की वजह से करीब 5 लाख लोग हर साल इस डिवाइस के कारण नई जिंदगी पाते हैं। द वॉकी टॉकी बिल्डिंग। जब किसी चीज के आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में गलती होती है तो उसे या तो हाथों से ठीक किया जाता है या फिर उसी के साथ रहना सीख लिया जाता है। लेकिन जब गलती एक अलग ही तरह की चीज इन्वेंट कर दे तब क्या किया जाएगा? क्योंकि लंदन में 2015 में बनकर तैयार हुई ये 160 मीटर ऊंची वॉकी टॉकी बिल्डिंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा अनोखी है, जिसे एक बल्ब का शेप देने का इरादा करके आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन किया। हालांकि बल्ब तो नहीं, लेकिन ये बिल्डिंग जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे बड़ी होती जाती है, और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि ज्यादा स्पेस में ज्यादा लोगों को इस बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। और इस बिल्डिंग के पूरे बाहर के स्ट्रक्चर में कांच लगे हुए हैं ताकि सूरज की रोशनी को भी ये बिल्डिंग पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर ले। लेकिन यहीं पर ये बिल्डिंग कुछ अनोखा करती है। जी हाँ, इस जगह पर सूरज की रोशनी इतनी तेज पड़ती है कि ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे मौजूद चीजों को जलाना और पिघलाना शुरू कर देती है। यानी कि अगर आप भी इस बिल्डिंग के नीचे से गए और सूरज की रोशनी आप पर रिफ्लेक्ट हुई तो आपको भयंकर गर्मी का एहसास होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज है। और अब ज्यादा गर्मी पड़ने पर बिल्डिंग का वो हिस्सा पूरी तरह से ढक दिया जाता है ताकि नीचे मौजूद किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंच पाए। गिस्बोर्न एयरपोर्ट। अब आप न्यूजीलैंड के गिस्बोर्न एयरपोर्ट के बारे में जानिए, या फिर आप इसे रेलवे भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का एरोप्लेन रनवे जिस जगह पर है उसी जगह पर रेलवे क्रॉसिंग भी बनी हुई है। यानी कि एक तरफ जहाँ एरोप्लेन लैंड और टेक ऑफ करने के लिए निकलता है, वहीं दूसरी तरफ इसी जगह पर रेलगाड़ी भी अपना सफर पूरा करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी अजीब सी बात है, ऐसे में तो बहुत से एक्सीडेंट होते होंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आर्किटेक्चरर की ये मिस्टेक भले ही अब हो चुकी है, लेकिन इसकी वजह से अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी की समझदारी है। क्योंकि जब कभी भी इस जगह से कोई भी ट्रेन जाती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी तरह कन्फर्मेशन लेकर ही उस जगह को पार करती है, वरना वो बीच में रुक जाती है और तब तक रुकी रहती है जब तक प्लेन इस रनवे से निकल ना जाए। लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अब आप एक ऐसे टावर को देखिए जहां की फोटोज आपको ज्यादातर टूरिस्ट की फोटो कोलाज में दिख जाएगी, क्योंकि इटली में मौजूद ये बिल्डिंग काफी सारे टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिसका सबसे बड़ा कारण इसका टेढ़ा मेढ़ा आर्किटेक्चरल व्यू है। वैसे क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें 12वीं सदी में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बनाया जा रहा था तब इसके डिजाइन के हिसाब से प्रॉपर जमीन नहीं मिल पा रही थी, और इसी वजह से जिस तरह की सतह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी, उधर की तरफ बिल्डिंग झुक गई। हालांकि अब इस बिल्डिंग को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है, लेकिन इसका इफेक्ट अभी भी इस पर दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कि जब कोई भी इटली जाता है तो वो टावर ऑफ पीसा को देखने जरूर जाता है। दोस्तों, हमें पता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है, और अगर हाँ तो इसे साथ ही साथ लाइक करते चलिए ताकि आगे और भी इसी तरह की वीडियोज आप देख सकें। वडारा होटल एंड स्पा इन लास वेगास।
दिसंबर 2009 में लास वेगास में एक नया होटल खुला और ये होटल हर तरह से एक 5-स्टार होटल के रूप में खरा उतरता है, फिर चाहे लग्जरियस रूम्स हो, स्विमिंग पूल हो या फिर डेथ रेस। अब आप बोलेंगे डेथ रेस क्या है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, इस शानदार बिल्डिंग के शानदार स्ट्रक्चर की वजह से ये बिल्डिंग काफी भारी मात्रा में सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है। इसी कारण नीचे मौजूद पूल पर डायरेक्ट सूरज की किरणें बहुत तेज मात्रा में जाती है और उसका पानी बहुत ही ज्यादा जलने लगता है। एक बार तो इस स्विमिंग पूल में पड़ा प्लास्टिक पूरी तरह से पिघल गया था, जिसके बाद होटल अथॉरिटी ने ये कहा कि उन्होंने ये बिल्डिंग बनाते वक्त ये सोचा था कि बाद में वो एक अलग तरह का कांच इसमें लगाएंगे, जिससे सन रेज रिफ्लेक्ट होने की जगह अब्सॉर्ब होकर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जिसका ये साफ मतलब है कि होटल बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये पता था कि इस तरह की दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे बनाया ताकि वो इस शानदार आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की मिसाल दे सकें, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अनकन्वेंशनल मेट्रो। क्या आपको अक्सर अपनी मेट्रो ट्रेन पकड़ने में लेट हो जाता है और आप हमेशा से चाहते हैं कि मेट्रो ट्रेन आपके घर के जस्ट बगल से जाए, जिससे आप तुरंत ही घर से निकलते इसे पकड़ लें? वैसे अगर आप चाइना के चोंगकिंग में रहते हैं तो आपका एक ख्वाब पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ की एक 19 मंजिला बिल्डिंग के बीच से मेट्रो ट्रेन गुजरती है। हमें पता है ये चीज काफी अजीब है, लेकिन चाइना में हर अजीब चीजें सच होती है और ये भी एक प्रकार का सच ही है जो आपको अजीब लग रहा है। अब बात यहाँ आती है कि ये हुआ कैसे। हम आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर कुछ भी हो सकता है और ये इन्वेंशन भी जरूरत का ही नतीजा है, क्योंकि यहाँ के 31,000 स्क्वायर फीट एरिया में 49 मिलियन लोग रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर हर एक चीज कम स्पेस पर ज्यादा यूजफुल होने के पर्पस से बनाई जाती है, ताकि लोगों को रहने के लिए भी जगह मिल जाए और बाकी सारी चीजों के लिए भी जगह बन जाए। इसी वजह से इस शानदार आइडिया पर वर्क किया गया, जो अब दुनिया के सबसे अनोखी मेट्रो लाइन है, जिसे देखने देश दुनिया से लोग आते हैं। बंकिंगम पैलेस। बात अगर बंकिंगम पैलेस की करें तो ये जगह सालों से इंग्लैंड की रॉयल फैमिली का घर है, जहां इंग्लैंड की रॉयल फैमिली बड़ी शान और शौकत के साथ रहती है। लेकिन कभी ये जगह इंग्लैंड की रॉयल फैमिली तो क्या किसी नॉर्मल इंसान के रहने लायक भी नहीं थी, क्योंकि इस जगह का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर कुछ खास अच्छा नहीं था। और उसे जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, क्योंकि जब सन 1837 में क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट इस घर में रहने आए थे, तब उन्हें कई तरह की परेशानियां हुई, जैसे कि इस जगह के किचन से हमेशा पानी रिसता रहता था, वेंटिलेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम थी, उसी के साथ ही ग्राउंड फ्लोर में गैस लैंड की तरह अलग अलग तरह के गैस फ्लोर में मौजूद रहती थी, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस था। हालांकि बीते समय के साथ इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया गया, तब जाकर ये जगह रहने लायक बनी थी। द जॉन हैंकॉक टावर। जब कोई भी गगनचुंबी बिल्डिंग बनती है तो उसको बनाते समय आर्किटेक्चर का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है, इसी वजह से आज आर्किटेक्ट को एक एक चीज ध्यान से करनी पड़ती है, वरना कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस बिल्डिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब ये 60 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो इसमें लगी कांच की खिड़कियां थर्मल स्ट्रेस की वजह से अपने आप ही क्रैक होना शुरू हो गई और धीरे धीरे कई सारी खिड़कियां तो बहुत ज्यादा टूट भी गई थी, जिस कारण इस बिल्डिंग के ऑनर को 10,000 खिड़कियों को रिप्लेस कराना पड़ा, जिसमें उनका कुल खर्चा $5 मिलियन आ गया। और इस बिल्डिंग के साथ ये अकेली दिक्कत नहीं थी, हालांकि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स में रहने वाले लोगों को काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे, जिस पर होटल अथॉरिटी का कहना था कि तेज हवाएं इस इमारत को हिट कर रही है, जिस वजह से एक अलग तरह का प्रेशर बिल्ड होता था और उसी कारण यहां पर रहने वाले लोगों को जो ऊपर के फ्लोर्स में रहते थे उन्हें तरह तरह के मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता था। हालांकि ये कारण सही नहीं था, क्योंकि बाद में इस समस्या को फिक्स कर दिया गया था और अब ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे बात साफ होती है कि बिल्डिंग में ही कोई परेशानी थी। A train crosses a motorway। अब तक आप लोगों ने देखा कि कैसे एक गलती लोगों की जान भी बचा सकती है और उनकी जान खतरे में भी डाल सकती है। उसे सुधारने के लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा। जी हाँ, बाकू में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर रेलवे लाइन बिल्कुल रोड पर बनी हुई है, और वो भी बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के, जिसका साफ मतलब है कि जब ट्रेन इस रास्ते से जाती है तो गाड़ियों को खुद ब खुद ही रुकना पड़ता है, वरना सब कुछ राम भरोसे है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे अथॉरिटी की तरफ से कोई भी वार्निंग नहीं दी जाती। हालांकि आपको ये फोटोज देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई फोटोशॉप की तस्वीरें या वीडियो है, लेकिन वाकई में ये जगह गूगल मैप में मौजूद है, जो कि रोड की वजह से रेलवे लाइन शो नहीं करती, और ये जगह वाकई में बहुत ही खतरनाक भी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। धन्यवाद।